मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता। ये दास्तान है 1987 में स्थापित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की। कभी ये कमरे और 5 सदस्यों के साथ अपनी पहचान को लगातार नित नए रूपों में विकसित करने वाला यह विश्वविद्यालय आज 172 एकड़ भूमि पर विस्तार के साथ एशिया के बड़े विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बना चुका है। जौनपुर शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर शाहगंज मार्ग पर स्थित यह संस्था 268 महाविद्यालयों के साथ आज भी अपनी मध्ययुगीन सांस्कृतिक और शैक्षणिक छवि को पुनः स्थापित करने में लगी हुई है। पड़ाव दर पड़ाव विकास की यह परंपरा जारी रही और इसमें एक नया अध्याय जुड़ा जनसंचार विभाग की स्थापना के साथ। यह विभाग विगत 6 वर्षों से निरंतर कठिनाइयों और समस्याओं के बीच नई ऊंचाइयों और परंपराओं के साथ अग्रसित है। आज यहां से निकले हुए कई सितारे विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में अपनी प्रतिभा के बल पर चमक बिखेर रहे हैं। 1998 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग की स्थापना के पीछे जो मूल उद्देश्य निहित था वो यह था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर के पूर्वांचल के जो शिक्षित विद्यार्थी हैं उनको मास कम्युनिकेशन या मीडिया से संबंधित ट्रेनिंग दे करके उनको देश विदेश के विभिन्न मीडिया संगठनों में कार्य के लिए भेजा जाए। और खुशी की बात है कि अभी तक हमारे विभाग से 4 बैच पास आउट हो चुका है। अधिकांश छात्र विभिन्न मीडिया संगठनों में, राष्ट्रीय चैनल्स में, टेलीविज़न, अखबार और मैगजीन्स में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छात्र आज स्थापित हो चुके हैं और विभाग प्रगति कर रहा है। वैश्वीकरण, खास तौर पर आज जब बाजारीकरण का दौर प्रारंभ हो चुका है, विभाग ने अपने शैक्षणिक स्वरूपों में नए नए सफल प्रयोग भी किए। इन नए प्रयोगों में शिक्षा प्रारूप, पाठ्यक्रम, तकनीक आदि में परिवर्तन शामिल है। ऐसे में हमारे छात्र अपनी योग्यता के बल पर अपनी जगह बना सके। जनसंचार विभाग में मूलतः 10 पेपर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न प्रोग्राम होता है। इसके अलावा जो द्वितीय वर्ष के छात्रों को विज्ञापन और जनसंपर्क में विशेषज्ञता प्राप्त कराई जाती है, संचार को। प्रथम वर्ष में मीडिया राइटिंग, प्रिंट मीडिया, प्रेस विधि, इसके अलावा कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट प्रोसेस। एक तरीके से देखा जाए तो हम थोड़ा थोड़ा सभी जानकारी देते हैं, लेकिन हमारा जो मूल जो रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर रहता है। शिक्षकों की तरफ से हमारा ऐसा प्रयास होता है कि जब एक पत्रकार जो कि यहाँ से शिक्षित होकर निकला है मार्केट में जाए, तो ये सारे पूर्व आग्रह दुराग्रह उसके लेखन में कहीं से ना झलकें। और जो न्यूज़ में ऑब्जेक्टिविटी वाली बात होती है वो सिद्धांत रूप में परिणत हो सके, हम ऐसा ही प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यकलापों के माध्यम से। विज्ञान एवं तकनीक आज जब नई दुनिया में एक अपरिहार्य अंग बन चुका है, विभाग ने भी इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया और अपने आप को और ज़्यादा विकसित किया। इसी का परिणाम है विज्ञान संचार इस पाठ्यक्रम का आज हिस्सा बन चुका है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद, भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं उत्प्रेरित विज्ञान संचार का पाठ्यक्रम पूर्वांचल विश्वविद्यालय के संचार विभाग में इस सत्र वर्तमान सत्र जो चल रहा है 2003-2004 से प्रारंभ किया गया है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति और जनसंचार विभाग के
अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद से निवेदन किया था तो वो इस विशेष पाठ्यक्रम को मान्यता दें और साथ ही साथ उसे उत्प्रेरित एवं समर्थित करें। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और इस सत्र से इस पाठ्यक्रम को शुरू किया। इस पाठ्यक्रम को शुरू करने का जो मूल उद्देश्य, जो मूल चिंतन है, उसके पीछे बात यही है, जो पत्रकारों की नई फौज इस देश में शुरू हो रही है, उस फौज से अपेक्षा है वो विज्ञान सम्मत वैज्ञानिक रुझानों के समाचारों को प्रमुखता दे और जो उसमें अवैज्ञानिक समाचार आते हैं उनको वो परे करें और अपना सोच, अपना चिंतन वैज्ञानिक अपनाएं और उससे प्रेरणा लें। साथ ही साथ जो नई टीम जा रही है उससे एक अपेक्षा की जाती है कि जैसे हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपनी विजन में कहा है कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र हो, एक वैज्ञानिक राष्ट्र हो, उसके लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होगी। और जब से यह कोर्स चल रहा है इसे छात्रों ने बहुत खुशी से स्वीकार किया है। ये बात बहुत बढ़िया तरीके से शैक्षिक गतिविधियों के साथ प्रायोगिक व्यवहार यहाँ की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाचार लेखन, फीचर, आलेख आदि के साथ पूर्वांचल जनसंचार के रूप में नियमित साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन, समसामयिक मुद्दों पर आधारित रेडियो परिचर्चा और रेडियो वृत्त चित्र की विधा विकसित की जा रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक विधाओं से जुड़े कार्यक्रमों जैसे साक्षात्कार, वृत्त चित्र, विज्ञापन, परिचर्चा इत्यादि टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण एवं संपादन की विधाएं भी छात्रों में विकसित की जा रही हैं। एक व्यवहारिक मीडिया व्यक्तित्व बनने के पहले सबसे अहम है एक सामाजिक नैतिक व्यक्तित्व का विकास। इस सिद्धांत के अनुपालन में विभाग द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियों, परिचर्चाओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसका उदाहरण छात्रों द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों जैसे भूकंप और बाढ़ पीड़ितों के लिए धन एकत्रित करना और सामाजिक संदेशों को नुक्कड़ नाटकों के द्वारा प्रस्तुत करना है। विभाग में शोध कार्य प्रारंभ हो चुका है। 4 छात्र अभी पिछले दिनों PhD प्रोग्राम के लिए इनरोल हुए हैं। विभाग की योजना है कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल का प्रकाशन करे और उसके लिए योजना तैयार हो गई है। काफ़ी रिसर्च पेपर्स हमारे पास आ गए हैं और हम जुलाई इशूज का पहला निकालने जा रहे हैं इंडियन मीडिया स्टडीज जर्नल के नाम से। उसके लिए ISSN हमने करवा लिया है। हमारे छात्र न सिर्फ फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में विश्वास करते हैं और न हम विश्वास करते हैं उसमें, हम लोग उनको व्यवहारिक शिक्षा और प्रशिक्षण देते हैं, साथ ही उनको समाज के विभिन्न वर्गों से जोड़ करके उनमें एक जागरूकता अभियान के रूप में भी काम करते हैं। साथ ही पिछले दिनों हम लोगों ने विज्ञान जागरूकता को लेकर के गाँव में जाकर के छात्रों ने जागरूकता का कार्यक्रम चलाया और आधारित हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया संकल्प प्रगति का के नाम से, जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा है। पहले भी हम कई फिल्म विभाग के छात्रों के सहयोग से विभाग के छात्रों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के तहत बना चुके हैं। इन्हीं समग्र प्रयासों से हमें नए और ज्यादा बेहतर मीडिया कर्मी मिलेंगे जो मीडिया के प्रत्येक आयाम में प्रवेश कर अपनी खुशबू बिखेरेंगे। ऐसे सुनहरे भविष्य का सपना हमने अपनी पलकों में संजोया है। अभी तो बहुत दूर जाना है हमें, चांद तारों के करीब घर बनाना है हमें। कदम तेजी से बढ़ाओ मंजिल की राह में, अभी तो सदियों का फासला मिटाना है हमें। उस गगन में चमकते हुए सूरज की कसम, इसी तरह इस जहां में जगमगाना है हमें। इसी तरह इस जहां में जगमगाना है हमें। इसी तरह इस जहां में जगमगाना है हमें।